नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अमरीश खारी आपका अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर खारी पर स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम बात करेंगे होम्योपैथिक मेडिसिन साइलीसिया के बारे में। दोस्तों इस वीडियो में हम साइलीसिया के बायोकेमिक यूज़ के बारे में बात करेंगे। बायोकेमिक यानी साइलीसिया जो 3x और 6x या 12x पोटेंसी में आती है उसे बायोकेमिक मेडिसिन बोलते हैं। दोस्तों बायोकेमिक साइलीसिया 3x, 6x और 12x का यूजेस सेम रहता है यानी सेम बीमारियों में काम आती है। होम्योपैथिक डॉक्टर सुसलर की जो 12 बायोकेम मेडिसिन होती हैं उनमें से एक साइलीसिया भी होती है। इनका कहना है कि शरीर की जो सॉफ्ट और हार्ड टिश्यूज होते हैं उनकी रचना साइलीसिया से होती है। अगर इनमें साइलीसिया की कमी हो जाए तो रोगी को शरीर में कुछ परेशानियां आती हैं, जैसे बालों का टूटना, बालों का झड़ना, नाखूनों में दरारें पड़ना और स्किन में ड्राइनेस आना। चलिए दोस्तों जानते हैं बायोकेम साइलीसिया का क्या यूजेस रहता है यानी ये किन बीमारियों में यूज़ करनी चाहिए। दोस्तों सबसे पहले बात करें तो ब्रिटल नेल्स में साइलीसिया बहुत ही इफ़ेक्टिव रहती है, जहां नाखूनों में नाजुकपन होने के कारण दरारें पड़ जाती हैं, नाखून टूटने लगते हैं। तो कई लेडीज़ पेशेंट में पानी में काम करने से नेल के चारों तरफ स्वेलिंग आ जाती है, कई बार उनमें पस बनने लगती है, बहुत पेन होता है। ऐसे में साइलीसिया का बायोकेम यूज़ करें तो बहुत ही इफ़ेक्टिव रहता है। अगली बीमारी के सिम्टम्स की बात करें तो बालों के टूटने और झड़ने में ये बहुत ही इफ़ेक्टिव रहती है। जहाँ बाल बहुत नाजुक रहते हैं बालों की शाइनिंग खराब हो जाती है यानी कम हो जाती है, ऐसे में साइलीसिया का बायोकेम यूज़ करें तो बहुत ही इफ़ेक्टिव रहता है। दोस्तों अक्सर आपने देखा होगा कि अडल्ट्स में जो फेस पर एक्ने पिंपल्स होते हैं उनमें पस फॉर्मेशन होने लगती है यानी मवाद बनने लगती है, ऐसे में साइलीसिया देनी चाहिए। दोस्तों साइलीसिया बायोकेमिक की अगर स्किन में बात करें तो एक्जिमा होने पर, छोटे छोटे ब्लिस्टर में मवाद बनने पर या पस फॉर्मेशन होने पर साइलीसिया बहुत ही इफ़ेक्टिव रहती है। दोस्तों स्किन पर चोट लगने या खरोच आने से जो ड्राइनेस आ जाती है उसमें साइलीसिया बहुत इफ़ेक्टिव रहती है। दोस्तों नॉर्मली भी अगर आपकी स्किन में ड्राइनेस, इचिंग, क्रैक्स हो या स्वेलिंग हो स्किन पर कहीं भी तो उसमें साइलीसिया बहुत इफ़ेक्टिव रहती है। दोस्तों साइलीसिया का डिजीज़ ऑफ बोन में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहता है। इसे आम भाषा में जाना जाए तो हड्डियों में जो स्वेलिंग आ जाती है, छोटे मोटे क्रैक्स आ जाते हैं, कहीं जोड़ पर डैमेजेस आ जाते हैं, उसके लिए साइलीसिया बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन रहती है। दोस्तों साइलीसिया दांतों के लिए भी बहुत इफ़ेक्टिव मेडिसिन रहती है। गम्स में पस बनने पर या पायरिया में बदबू आने पर साइलीसिया बहुत ही इफ़ेक्टिव रहती है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि लगभग सभी बीमारियों में पस फॉर्मेशन हो रहा है यानी मवाद बन रही है, तो इसका एक पिक्युलर सिम्टम्स ये है इस मेडिसिन का कि जहां पर भी आपको किसी भी बीमारी में, चाहे वो फोड़े फुंसी हो, चाहे एक्ने पिंपल्स हो या कोई स्किन डिजीज़ हो तो उसमें पस फॉर्मेशन होता है, मवाद बनती है, उसके लिए साइलीसिया बहुत ही इफ़ेक्टिव रहती है। दोस्तों नेक्स्ट अगर साइलीसिया की बात की जाए तो टोनसिल्स में ठंड लगने से जो स्वेलिंग्स आ जाती है जिसमें दोनों टोनसिल्स सूज जाते हैं उसमें साइलीसिया बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन रहती है। दोस्तों साइलीसिया के पेशेंट को ठंड बहुत लगती है फिर भी उसके पैरों पर पसीना बहुत ज़्यादा आता है और उस पसीने से बदबू बहुत ज़्यादा आती है। दोस्तों रोगी को अगर साइलीसिया की कमी के कारण सिर दर्द हो तो उसमें भी साइलीसिया मेडिसिन दी जाती है। दोस्तों साइलीसिया एपिलेप्सी में एपिलेप्टिक अटैक आने पर साइलीसिया दी जाए तो बहुत ही इफ़ेक्टिव रहती है। पेशेंट को नसों की कमजोरी हो, नसों में दर्द रहता हो तो उसके लिए भी साइलीसिया बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन रहती है। बालों की सही से ग्रोथ नहीं हो पाए तो साइलीसिया इनमें यूज़ की जाती है। दोस्तों साइलीसिया की अगर डोजेस की बात करें तो अगर आपको ये 3x या 6x या 12x पोटेंसी में ली जाती है तो सभी की डोज लगभग समान रहती है। चार चार गोली दिन में 3 बार चूसनी होती है। बच्चों को बड़ों से आधी यानी 2-2 गोली दिन में 3 बार दी जाती है। दोस्तों साइलीसिया या होम्योपैथिक की किसी भी मेडिसिन का सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना चाहिए। अगर आप किसी बीमारी से पीड़ित हैं तो बेहतर यही होगा कि डॉक्टर से सलाह लेकर ही इसका इलाज कराएं। इसके लिए आप अपने नज़दीकी होम्योपैथिक डॉक्टर से मिल सकते हैं, नहीं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे संपर्क कर इलाज ले सकते हैं।